नमस्कार, न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि आज बिहार में दो तीन जगहों पर ऐसा हुआ कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो है वो बेहोश होकर गिरने लगे। एक बड़ा जो है इस उसके बाद राजनीतिक रूप ले लिया पूरा मामला और एक बड़ी घटना होने से कहीं ना कहीं बच गई। इसके बाद के पाठक पर सवाल उठने लगे। वहीं के पाठक ने अब अपना आदेश बदल दिया है। प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब राहत दी गई है। बढ़ते तापमान के बाद 8 जून तक शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों को ये एक बड़ी राहत मिली है। सीएम ने भी स्कूल बंद करने का ये निर्देश दिया है। और आपको बता दें, चिराग पासवान ने भी कहा था कि अगर इस तरह के आदेश आ रहे हैं, के पाठक जिस तरह से स्कूल चला रहे हैं और छुट्टी नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, क्योंकि बिहार में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बिहार के संपादक जुड़ चुके हैं, एसके राजीव जी। एसके राजीव जी, यहाँ पर देखिए, बिहार में आज दो तीन जगह पर एक ऐसी घटना देखी गई जहाँ पर बच्चे जो है स्कूल में बेहोश होकर गिरते हुए देखे गए। उसके बाद बिहार सरकार चेती है, बिहार सरकार जागी है, उसके बाद आदेश दिया गया, नहीं भैया छुट्टी कर दो। इससे पहले क्या बिहार सरकार नहीं जाग सकती थी? के पाठक नहीं जाग सकते थे? देखिए मनीष जी, दरअसल में के पाठक के पूरे अगर आप करियर पर ध्यान देंगे तो के पाठक जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं वहां अपनी ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरीके से वो हावी रखते हैं। और यही वजह है कि कई बार मुख्यमंत्री भी जो है वो असहज हुए के पाठक के आदेश को लेकर के। और कुछ दिन पहले जब बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उस समय भी मुख्यमंत्री का एक दो आदेश निकला था जिसको के पाठक ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर बाद में जब मुख्यमंत्री उस पर काफी टाइट एक्शन लिए तो फिर जाकर के पाठक ने इन बातों को माना। दरअसल देखिए, के पाठक के विषय में ये कहा जाता है कि साइको टाइप अधिकारी है, उन पर ये आरोप भी लगता रहा है। विपक्ष जो है वो तो आरोप लगाता ही रहा है। बीजेपी के भी जो एमएलसी हैं नवल किशोर यादव सहित कई एमएलसी, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, अभी का जो ये ताजा मामला है वो यह है कि बिहार जो है वो बिहार में हीट वेव अभी फिलहाल चल रहा है और बिहार का जो पारा है वो 48 तक कुछ जिलों में पहुंच गया है। पटना के तापमान की अगर बात करेंगे तो पटना में 44 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ फीलिंग्स जो है वो 50 डिग्री के करीब। अंदाजा लगाइए कि ऐसी स्थिति में अगर सरकारी विद्यालयों में बच्चे जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, जबकि सरकारी विद्यालयों में पंखे भी नहीं लगे होते हैं। कल जो है औरंगाबाद में के एक विद्यालय में जो है वहां लगभग एक दर्जन बच्चे जो है वो अचानक बीमार पड़ जाते हैं हीट वेव की वजह से। उसके बावजूद सरकार जो है यानी कि सिस्टम जो है वो पूरा जागता नहीं है। फिर आज खबर आती है कि शेखपुरा में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल में बेहोश हो जाते हैं। बेगूसराय में जो है वो कई बच्चे भी स्कूल में बेहोश हो जाते हैं, उनको आनंद फानंद में वहां से जो है अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर कुछ बच्चों की स्थिति गंभीर हो जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले पर कॉग्निजेंस लेता है और इस बीच में के पाठक लगातार आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय जब कॉग्निजेंस लेता है उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को विधिवत मुख्यमंत्री की तरफ से यह आदेश दिया जाता है कि वो स्कूल की टाइमिंग को चेंज करें या स्कूल को फिर अगले आदेश तक बंद करें। उसके बाद फिर आपदा प्राधिकरण की एक बैठक बुलाई जाती है, मौसम विभाग के अधिकारियों को वहां पर बुलाया जाता है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और उसके बाद फिर मीटिंग होती है और उसमें यह मौसम विभाग के जो अधिकारी है वो कहते हैं कि अगले 7-8 तारीख तक जो है वो मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी, यानी कि हीट वेव का भी सामना जो है वो बिहार के लोगों को करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री इस चीज का सॉरी चीफ सेक्रेटरी जो है वो आदेश देते हैं एसीएस को स्कूल को जो है वो 8 तारीख तक जो है वो सरकारी और निजी विद्यालय के साथ साथ कोचिंग संस्थान जो है वो भी पूरे बिहार में बंद रहेंगे और उसके बाद फिर आदेश जो है वो निर्गत होता है। लगाइए होता क्या है ना मनीष जी कि एक डिस्ट्रक्टिव माइंड का आदमी अगर आ जाता है तो वो पूरे संस्था को बर्बाद कर देता है। उसको वो लगता है कि वो बहुत ही बेहतर काम कर रहा है लेकिन उसके पहले भी सिस्टम चलता रहता है, लेकिन वो जो डिस्ट्रक्टिव माइंड का आदमी आता है तो के पाठक उसे आप ये कह सकते हैं कि के पाठक की जो भूमिका रही है भले वो ईमानदार है और कोई बहुत ईमानदार अधिकारी होने का मतलब यह नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति बेईमान है। के पाठक को यही लगता है कि भाई हमारे सामने जो व्यक्ति है वो बेईमान है और चूंकि मैं आईएएस हूँ अधिकारी हूँ तो मुझसे बड़ा कोई है नहीं। और यही गलती जो है के पाठक जिस डिपार्टमेंट में भी जाते हैं वहां पर वो करते हैं और बाद में उसको इसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ता है। और आज जो स्थिति बनी है कम से कम आज के पाठक को तो निश्चित तौर पर यह लग रहा होगा कि आप एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आप, और उसके बावजूद आपके आदेश को सरकार ने नहीं माना तो कहीं ना कहीं से बेइज्जती तो के पाठक की बहुत बड़ी हुई है। तो इसलिए तो अपन मुख्यमंत्री ने कॉग्निजेंस लिया और एक स्टेट में प्रदेश में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद होता नहीं जो कि संवैधानिक पद है और उनके अधीन ही आपको बात माननी पड़ेगी सुननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं से के पाठक का जो यह आदेश था कि भाई आप 44-46 डिग्री टेम्परेचर में आप बच्चे स्कूल जाएंगे हम स्कूल को बंद नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले राजभवन ने भी कहा था कि स्कूल को बंद कीजिए लेकिन के पाठक मानने को तैयार नहीं हुए। कई ऐसे आदेश राजभवन की तरफ से निकाले गए जिसको उन्होंने मानने से चित्तों पर मना कर दिया।
तो सिस्टम का जो देखिए कोई भी जो ब्यूरोक्रेट होता है वो सिस्टम का एक पार्ट होता है, सिस्टम का मतलब सरकार। तो अगर आप सरकार के आदेश की अवहेलना करेंगे तो फिर ये स्थिति होगी जो आज हुई है, और आपके आदेश को रद्द कर दिया गया और उसके बाद फिर नया आदेश दिया गया और उस आदेश को आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन कमोबेश इन सबके बीच बच्चे जो है वो इस भीषण गर्मी में पिस रहे थे। और आपको बताओ कि अभी देखिए अभी हम लोग कार्यालय में है, बंद कमरे में, यहाँ एसी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी उमस है, यानी कि यहाँ पर एसी भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप ऑब्वियसली जो एसी का जो टेम्परेचर होता है मनुष्य वो होता है कि आप 40 डिग्री तक एसी भी काम करता है, उसके बाद काम नहीं कर रहा, बंद कर देता है। अभी पटना में जितनी जबरदस्त गर्मी है और बिहार के इलाकों में खास करके औरंगाबाद से पूरा ये सब पूरा पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि वहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, और यही वजह है कि आज 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हुए और उसमें कई की स्थिति काफी नाजुक हो गई। लिहाजा सरकार को यह एक कड़ा निर्णय जो है वह लेना पड़ा और 8 तारीख तक बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। ये एक चीज है कि आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो रही है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं दो दो जगहों पर यहाँ पर, और के पाठक जो है वो चेत नहीं रहे हैं, उसके बावजूद कहा जा रहा था कि स्कूल खुलेगा। क्या के पाठक को नहीं मालूम था कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है? भाई अगर आपके भरोसे बच्चे हैं, आपके भरोसे अभिभावक हैं, आपके भरोसे शिक्षा विभाग है, तो फिर वो आपके भरोसे चल रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप सही निर्णय लेंगे। लेकिन अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो इस तरह की, अभी बताइए कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ी और बड़ी घटना घट जाती, तब इसकी जवाबदेही किसकी होती? या सीएम की होती कि फिर के पाठक की होती? नहीं देखिए यही तो प्रॉब्लम है मनीष जी, कि जो आईएएस होते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग चुनकर आते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, उनको लगता है कि उनके बाद कुछ बचता ही नहीं है। उनको लगता है कि भैया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री की भी उनके सामने कोई औकात नहीं है। और के पाठक जैसे अधिकारियों को तो कम से कम ये जरूर लगता है, वो चूंकि बंद एसी गाड़ी में बैठते हैं, एसी उनका पूरा चैम्बर होता है, एसी से निकलते हैं फिर एसी में बैठते हैं, तो उनको जनता की का जो कष्ट है इस कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। सिर्फ के पाठक ही नहीं बल्कि जो भी आईएएस अधिकारी है उनके साथ ये सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से उन पर उस सिस्टम को वो देखते हैं कि भाई किस तरीके से वो इंजॉय कर रहे हैं, बाद बाकी जनता बाहर में जाए। तो जबकि यहाँ भी वही स्थिति है, कमोबेश जो बच्चे हैं सरकारी विद्यालयों में कहीं भी पंखा नहीं लगा हुआ है, निजी विद्यालयों में कम से कम पंखा लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे निजी विद्यालय है जहाँ पर की जिसमें की एसी कमरा होता है, ठीक है, उसका चार्ज लिया जाता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पंखे तक नहीं होते हैं। और ऐसी स्थिति में आप ऐसे भी जो मई का महीना होता है, मई लास्ट से गर्मी की छुट्टी दे दी जाती है, जून तक गर्मी की छुट्टी रहती है 15-20 जून तक, उसके बाद फिर मानसून प्रवेश होता है, उसके बाद फिर जो है वो विद्यालय को खोल दिया जाता है। लेकिन ये पहले ऐसे अधिकारी हैं जो कि आए तो इनको ना कोई गर्मी से मतलब है ना कोई ठंडे से मतलब है, क्योंकि ये खुद बंद गाड़ी में बैठ करके आते हैं, उसमें पूरा एसी से इनका जो है एसी काम कर एसी रहता है, और उसमें इनका शरीर जो है इनको गर्मी का एहसास होता नहीं है। चंद सेकंड के लिए निकलते हैं स्कूल का जाकर इंस्पेक्शन करते हैं और फिर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तो जब तक आपको तब तक दर्द का एहसास नहीं होगा जब तक आपके आपको दर्द की अनुभूति नहीं हो, और यही इस देश का दुर्भाग्य है मनुष्य, यही इस डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है। आज की तारीख में भी हम आप कहने के लिए डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हम लोग डेमोक्रेसी में है? क्या डेमोक्रेसी के पार्ट हम लोग बन पाए हैं? आज तारीख नहीं बन पाए हैं। और जब तक ये एसीएस के पाठक जैसे अधिकारी रहेंगे इस देश में, तब तक यहाँ पर वाकई में जो डेमोक्रेसी को स्थापित किए जाने की जो बात है वो कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव से लेकर के चिराग पासवान तक ने विरोध किया है के पाठक की नीतियों का, लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार को के पाठक से क्या मोहब्बत है, या तो कुछ इस तरह की बातें हैं के पाठक और नीतीश कुमार के बीच में जो सरकार इन पर एक्शन लेती है, क्योंकि मुख्यमंत्री से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है। मुख्यमंत्री के पास इतना पावर है वो किसी ऐसे अधिकारी को सस्पेंड कर सकता है, उसको टर्मिनेट कर सकता है, टर्मिनेशन के लिए केंद्र को पत्र लिख सकता है होम डिपार्टमेंट को, और होम डिपार्टमेंट फिर अपनी मंजूरी देता है। और यही वजह है कि आईएएस जो है वो मुख्यमंत्री से डरते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर के पाठक के अंदर पता नहीं क्या है कि के पाठक के मामले को लेकर के मुख्यमंत्री भी कॉग्निस नहीं लेते हैं। ये तो चूंकि बच्चे वाली बात थी, और मुख्यमंत्री को लगता है कि भाई 8 तारीख को 1 तारीख को फिर चुनाव है, कि हमारा वोट बैंक प्रभावित हो, जैसे इस तरह का मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। अगर चुनाव नहीं होता तो नीतीश कुमार भी आदेश नहीं देते। तो कहीं ना कहीं से देखिए जो जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप परेशान है, परेशान होते रहिए, हम इंजॉय कर रहे हैं, तो के पाठक अपनी नौकरी को इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं बड़ा गलत अधिकारी हूँ, कभी 70,000 शिक्षकों का वेतन पर काट देते हैं, कभी कहते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हो तो उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाए। तो यही स्थिति, और यही वजह है कि के पाठक जैसे अधिकारी जो है वो आज इस पूरे
सिस्टम की न सिर्फ धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि लोगों का विश्वास जो है वो लोकतंत्र पर से उठता जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये कहा जाए कि राजीव जी कि यहाँ पर जो लाल फीताशाही है वो हावी है, मतलब कहीं ना कहीं जो लाल फीताशाही है वो सरकार पर हावी है कि भाई जो हम कहेंगे उसी तरह काम होगा, अब आपको करवाना है तो देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हम कुछ तस्वीरें विजुअल भी चल रही है हमारे सामने, आपने भी कुछ विजुअल्स देखी होंगी, बच्चों पर पानी के छींटे मारे गए लेकिन बच्चे, कई बच्चे होश में नहीं आए, काफी देर में होश में आए। ये समझना होगा कि बच्चे अचेत अवस्था में काफी देर तक रहे, और ये चीज शायद के पाठक को इसलिए नहीं मालूम चल रहा क्योंकि वहां पर उनका कोई अपना नहीं था, और कोई अपना होता तो शायद उनको पता चलता कि उन बच्चों का दर्द क्या था उस वक्त, उनके माँ बाप का दर्द क्या था। ये मनीष जी कोई नई बात तो है नहीं, रेड टेपिज में जो है वो कोई नई बात तो है नहीं कि लाल फीताशाही है, वाकई में लाल फीताशाही है। बिहार में अगर आप 1990 से लेकर के 2005 तक के उस दौर को याद कीजिए जब लालू यादव की सत्ता हुआ करती थी, और लालू यादव को क्यों मेजोरिटी बराबर मिला करती थी, वो इसलिए मिला करती थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समय में थाने में जाकर के लोगों के केस को रजिस्टर किया जाता था। आज ये नीतीश कुमार की सरकार है, ठीक है डेवलपमेंट काफी हुआ है लेकिन यहाँ पर जनता त्राहिमाम कर रही है, चलने के लिए आपने सड़कें दे दिया लेकिन आज किसी व्यक्ति का एफआईआर नहीं होता है थाने में। अब जाकर खुद देख लीजिए, अभी पत्रकार है आप जाइए एफआईआर करने के लिए बिहार के थानों में, आपके पास नहीं, उसको दर्ज नहीं किया जाएगा, इसीलिए जो कि नीतीश कुमार को लगता है कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी उसी के सहारे हम चल रहे हैं, उसी के सहारे डेवलपमेंट हो रहा है। और लालू प्रसाद यादव के समय में ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से नियंत्रण कर लिया गया था कि थाना में एक गरीब व्यक्ति जो समाज का सबसे निचला व्यक्ति हो जाकर थाना में बैठ करके थाना प्रभारी पैदा था, थाना प्रभारी उससे एफआईआर करता था, एक आईएएस अधिकारी उस बातों को सुनता था। लेकिन आज की तारीख में यह है कि आप चले जाइए किसी आईएएस से मिलने के लिए, जिले में डीएम आपसे नहीं मिलेंगे, एसपी आपको बात आपकी बात को नहीं सुनेंगे, थाना प्रभारी के पास जाएंगे वो थाना प्रभारी आपको फंसा देगा, पत्रकारों को पीटा जा रहा है सरेआम, आम लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है, पुलिस उनका गाड़ी पर उतर आई है। तो जो रेड टेपिज्म की आप बात कर रहे हैं तो लाल फीताशाही तो पूरी तरीके से है, और ये जब तक ये लाल फीताशाही रहेगी तब तक डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं हो सकती है, और ये बच्चों के भी आप क्या दुर्गति देख रहे हैं, ये तो आप खैर मनाइए कि ईश्वर की कृपा थी कि बच्चों को कुछ हुआ नहीं, तो बच्चे आजकल कभी हो सकते थे। जिस तरीके से वीडियो बिहार में चल रहा है कि अगर वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो हो सकता है कि वो असामयिक उनका काल के गाल में वो चले जाए, क्या वो के पाठक इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या फिर जो कंसर्न उस स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी है वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। देखिए जब तक रेड टेपिज्म लागू रहेगा, जब तक ये ब्यूरोक्रेसी की मानसिकता से जो आईएएस आईपीएस या फिर जो अधिकारी है वो निकल नहीं पाएंगे, तब तक ये सिस्टम रेंगता रहेगा। मनीष इस बात को आप याद रखिए, इस वाकई में इस देश में डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं हो पाएगी, चाहे नरेंद्र मोदी 50 बार देश के प्रधानमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार 50 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, जब तक वाकई में जनता के अधिकारों को आप बताइएगा नहीं, उनको समझाइएगा नहीं, तब तक जनता इसी तरह सड़क पर रेंगती रहेगी, बच्चे इसी तरीके से स्कूल में बेहोश होते रहेंगे, और बच्चे इसी तरीके से जो अधिकारी है ये अपनी गाड़ी में इसी गाड़ी में बैठकर घूमते रहेंगे। वाकई में अगर आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो सबसे पहले बंद कीजिए उस आईएएस अधिकारी की गाड़ी में एसी को, एसी में बैठ करके एसी में सोता है और उसके बाद जाकर उस बच्चों की उसको कोई फिक्र वो बच्चों की नहीं लेता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो रेड टेपिज में कोई नई चीज नहीं है, बिहार देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर की ब्यूरोक्रेसी है लेकिन ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से लगाम है, बिहार में नीतीश कुमार ने तो ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया है, और यही वजह है कि आपको याद होगा कि यही के पाठक है जो चंद्रशेखर को घुसने नहीं दिए थे विभाग में। बताइए कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज्यादा पावरफुल होता है कि डिपार्टमेंट का मंत्री ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन चंद्रशेखर यादव को घुसने नहीं दिया गया था, और चूंकि तेजस्वी यादव को सत्ता में रहना था इसलिए तेजस्वी यादव चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। तो दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, और ये दुर्भाग्य तब तक रहेगा जब तक आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस का जो अंग्रेजों के जमाने का जो बनाया हुआ वह कानून है जो उसको आप जब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे तब तक इस देश का ये दुर्भाग्य बना रहेगा, और इस देश में तब तक रेड टेपिज जो है वो हावी रहेगी, और डेमोक्रेसी तब तक अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा, और ये बच्चे जो आप अभी आप लूप में दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बच्चे इसी तरीके से बेहोश होते रहेंगे।